फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय खेल मैदान पर चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत बुधवार को दो टीमों के बीच मैच खेला गया, जिसमें पूल ए के मैच में एमपी फुटबॉल क्लब ने एसएस फुटबॉल क्लब को 3-1 से तथा पूल बी के मैच में सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब ने लोको फुटबॉल क्लब को 3-1 से पराजित किया, जिसमें पहला मैच एमपी फुटबॉल क्लब व एसएस फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। मैच प्रारंभ के तीसरे व दसवें मिनट में प्रियांशु ने एमपी क्लब के लिए लगातार दो गोल करके अपनी टीम को 2-0 से बढ़त दिला दी। 25वें मिनट में अमृतांश ने गोल करके एमपी क्लब को 3-0 की बढ़त दिला दी। मैच के 48वें मिनट में नितिन टेटे ने एसएस फुटबॉल क्लब के लिए गोल करके स्कोर 1-3 कर दिया। अंत में एमपी क्लब 3-1 से विजयी रही। दूसरा मैच सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब और लोको फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। मैच प्रारंभ के 8 मिनट में पहुंच पांडे ने सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब के लिए गोल करके 1-0 की बढ़त दिला दी। मध्यांतर तक स्कोर 1-0 से सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब के पक्ष में रहा। 46वें व 54वें मिनट में अमन और रामबाबू द्वारा किए गए गोल की बदौलत सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब विजयी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने कहा, खिलाड़ी के लिए एक तरह से वारंट में जारी करना भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, शुक्रिया। बैठ के शाउट कर सकते, इधर बैठ के वो शाउट, वो एक गोलकीपर के पीछे एक इधर एक उधर, ये इट इज नॉट दी वे टू शाउट, है ना। ये एक जगह से जितना शोर मचाना, फिर अल्टीमेट ये कॉलेज कैंपस है, ये ऊपर नीचे बैठे ये मैच एसएस 11 और एमपीएफसी के बीच हो रहा है। ये आज 29वां मैच है गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय के मैदान पे, जिसमें एमपीएफसी ने 2-0 की बढ़त बनाई हुई मध्यांतर तक। मध्यांतर के बाद का खेल होने जाना बाकी है और इस मैच के तुरंत बाद ही पुल ए का मैच होना है सेंट एंड्रयूज सॉकर, नहीं सेंट एंड्रयूज एफसी और लोको एफसी का मैच होना है, वो पुल बी का मैच है। ये आपके समक्ष अभी जो मैच खेला जा रहा है वो एमपीएफसी और एसएस एफसी का है, ये पुल ए का मैच है, 29वां मैच लीग का। और ये टोटल 45 मैच होने हैं लीग के। 45 मैच के बाद जो फर्स्ट एट टीमें होंगी अपने अपने पूल से दो दो टीमें, उनके बीच क्वार्टर फाइनल मैच, नॉकआउट दौर शुरू होगा, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल। लेकिन 30 तक ये अभी लीग के मैचेस निरंतर चलते रहना है।